हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अपडेट पर। आज जो न्यू रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है वो है NCERTC की तरफ से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अपडेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना न भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डिप्लोमा अपडेट में सभी लोग ज्वाइन हो, जिससे कि आपको आने वाली सारी वैकेंसी की अपडेट आपको पहले ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, NCERTC राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी की नोटिस निकली हुई है। देखिए यहाँ पे लिया है वैकेंसी नोटिस, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्किल इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं तो कहूँगा सभी लोग इसे अप्लाई ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन प्रोसेस का। तो इसका फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 15 तारीख से, आने वाले 15 तारीख से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट इसके फॉर्म फिल करने की है वो है 30 तारीख को। और अगर हम बात कर लें पेपर की, तो पेपर आपका अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग तक में आपका पेपर हो जाएगा। और लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश वाले जगह पे आपको इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फेज़ वन जो है आपका दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ है, दिल्ली गुरुड़गांव अलवर है, और दिल्ली से पानीपत का है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फेज़ रहेगा, यहाँ पे आपका इतना दूरी लोकेशन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और देखिए अब बात कर लेते हैं किस किस ट्रेड वालों के लिए कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे दो पोस्ट निकली हुई है, जिन्होंने भी 3 साल से डिप्लोमा कर रखा है तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल ऑफ वैकेंसी 2 है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे 36 यानी कि 36 वैकेंसी है, जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है। यहाँ पे देखिए सब डिप्लोमा वाले की ही बात चल रही है अभी। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए टोटल ऑफ वैकेंसी 22 है। सिविल वालों के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, ठीक है, और इसमें सब में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है। और देखिए मैं आपको और नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए प्रोग्रामिंग वाले में आपका 4 वैकेंसी है यहाँ पे, जहाँ पे आपका 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, प्लस अगर आपके पास BCA या फिर BSc है IT से तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे टेक्नीशियन यानी कि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, जिन्होंने भी ITI से कर रखा है, यहाँ पे टोटल ऑफ वैकेंसी 43 है जिन्होंने ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाले के लिए टोटल ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 27 है, जिन्होंने ITI से इलेक्ट्रॉनिक मशीन कर रखा है उनके लिए 27 है, और जिन्होंने ITI है टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन से कर रखा है उनके लिए यहाँ पे टोटल ऑफ वैकेंसी 3 है। फीटर वालों के लिए यहाँ पे 18 है, और वेल्डर वालों के लिए यहाँ पे 2 है। और देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर। तो यहाँ पे 67 पोस्ट है, जिसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा है, या फिर आपके पास BSc किया होना चाहिए। अगर आपने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होना है। आपका सिलेक्शन जो है वो भी मैं बता दूं, आपका एक पेपर होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, जैसे आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी, उस हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप हम सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड की बता दे, तो ये आपका पहले 2 साल का बॉन्ड का वो पैसा जमा कराएंगे, जहाँ पे सीरियल नंबर 1 से 5 और 11 वालों के लिए 1.5 लाख रुपये है, और सीरियल नंबर 6 से 10 वालों के लिए 1 लाख रुपये है। जो यहाँ पे आप जैसे ही कंपनी रिज़ाइन करेंगे 2 साल बाद, तो आपको ये पैसा आपका रिटर्न मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों देखिए 1 मंथ, देखिए यहाँ पे आपको पहले 1 महीने जो है ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। और मैं बात कर लेता हूँ पे स्किल के, देखिए मैं आपको रुकिए इसमें दिखाता हूँ पे स्किल, जहाँ पे अच्छी सैलरी मिलने वाली है आप सभी को पर मंथ के हिसाब से। देखिए मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट्स और स्टेशन कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 35,250 रुपये है। ट्रेन ऑपरेटर वालों के लिए भी यह यहाँ पे है 37,750 रुपये, और ITI वालों के लिए है 23,000
यानी कि 24,000 मान लीजिए, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और आपकी सैलरी भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। और देखिए यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कराते, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये यहाँ पे इनकी फ़ीस रखी गई है जो कि आपको ऑनलाइन थ्रू कट जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको इसके आगे की भी और थोड़ी नोटिफिकेशन है जो कि आपका जानना ज़रूरी है ताकि आपको पूरा इसका मालूम चल जाए कि कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया गया है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप लिंक ओपन करेंगे, उसके बाद आप अपना फील्ड चुनेंगे, फिर उसके बाद आप अपना नाम एड्रेस सब कुछ डालेंगे, फ़ोटो साइज़ क्या रहेगी आपकी और सिग्नेचर साइज़ क्या रहेगी, ये सब भी आपको डालना है। पेमेंट आपकी 30 तारीख से पहले करनी है। आप सभी लोग 30 तारीख से पहले इसे अप्लाई कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि औरों को भी इस जॉब के बारे में पता चले। और हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस किस ट्रेड वाले, जैसे मैकेनिकल में आप मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल से किया, मतलब ट्रेड वाइज बताए हैं पूरा फुल्ली आपको कि इलेक्ट्रिकल वाले में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल वाले में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और ये और साथ ही में आपको बताया गया है कि सारा फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फिल होना है, आपका ऑफलाइन कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में या कहीं भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको शो की गई है, आप इस पर मैसेज डाल के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज डाल दीजिएगा। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अपडेट को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना न भूलें। और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आने वाली सारी वैकेंसी की अपडेट।